तो मेरी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, हम लंदन जा रहे हैं। हमारे कैमरा बंद करो, ये तो अनपढ़ लोग हैं। मैंने कहा मेरी फ्लाइट थी, कह रही मैम वो तो उड़ गई। अभी अभी एक सीन हो गया, फाइल करें बिना बैग के क्या करेंगे। वेलकम टू बैंगलोर, इंडिया के बाहर आए हैं। क्यों आई एम, कौन है ये? बेइज्जती होगी भाई। वाओ यार, पता नहीं क्या खिला दिया। सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम है यहाँ पे, कोई भी हमें जानता नहीं है। गाय हमारी माता है। एक लाख की इसको, एक लाख की मुझे, दो लाख की साढ़े आम कर, जो कि हम करवा चौथ पे पहन सकते हैं। ये 30,500 रुपए की, कृपया ध्यान दे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो हम निकल चुके हैं अभी महाराष्ट्र के लिए, और जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप ब्लॉग पूरा देखते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। बस निकल रहे हैं, लेट हो गए हैं, 8:25 की फ्लाइट है, 7:15 हम घर से निकल रहे हैं। पता है रात को पैकिंग करते मैंने धीरज भाई को कॉल किया कि ना शैम्पू कहाँ पे रखना है मेरे को, फिर मैं हमेशा फ्लाइट पर ट्रेवल कर देती हूँ फिर भूल जाती हूँ। तो भैया ने बोला कि भाभी अगर हम लगेज में रखेंगे ना तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, आप एक काम करो हैंडबैग में रख दो, अगर लगेज में रखना होगा तो खोल के रख लेंगे। तो गाइस मेरा टाइम टेबल बिल्कुल एग्जैक्ट होता है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पहुंचना है। अगर ये अपने टाइम टेबल से चले ना तो मुझे लगता है सोते रहेंगे। नहीं तो मेरी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। ऐसे पहले एक बार जब गोलू आई थी मैं ऑलरेडी रेडी थी पूरी। बेटा आप तो जिम्मेवार हो मेरे पे, देखो कैमरे के सामने मेरे को बोलती कितना झूठ बोलती कैमरा के पीछे बोलता है। नहीं नहीं हुआ ये था, जब मैं आई थी मैंने कहा पायल उठ जा रेडी होना, कहती ऐसे सोचती थी हाँ हो गई मेरी गाड़ी हो गई। बोलते हो गई ना तो इसी को कहते हैं परफेक्ट साइज, मतलब परफेक्ट टाइम। तो आज हमारा फिट होने का पूरा फायदा। हाँ देखो ना, दो बंदे तो पूरे पूरे हैं, हम दोनों आधे टिकट है तो 6 बंदे बैठे जस्ट हो सकता है। अच्छा हमारी टीम के आधे बंदे नीचे खड़े थे, हम ऐसे कर रहे हैं भाई भाई में कहा हम लंदन जा रहे हैं भाई भाई। तो गाइस फाइनली एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं। तो हम हैंडबैग में देख लो सारे कैमरे ड्रोन लैपटॉप लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कश्मीर में इतनी ज्यादा चेकिंग हुई थी, होनी भी चाहिए। वहां तो भाई एक घंटा लग जाता लाइन में। मुझे नेक्स्ट सीन अभी भी याद है, मैं ना एयरपोर्ट के बाहर थी और एयरपोर्ट के बाहर ना खड़े होकर ना ब्लॉगिंग करूँ, मुझे ऐसे ब्लॉगिंग करी पीछे से आवाज हुई कैमरा बंद करो, मैंने कैमरा बंद कर दिया। सॉरी सर, सॉरी। अच्छा सुनो, वहाँ पे इतनी गर्मी है और मैं देखो जैकेट पहन के आई हूँ क्योंकि फ्लाइट में चलते हैं। फ्लाइट में ना पायलट बोल को ठंड लगती है, मैं पता लगे मैं अपनी शर्ट दे रहा हूँ इन दोनों इसलिए मैं पहले से अपना प्रोटेक्शन करता हूँ। नीचे सैंडो भी नहीं पहन रखे, चलो पानी लेने चले। मिलिया में बैठा हूँ पायल यार, मुझे ना कभी कभी चश्मा लगाना पसंद नहीं है, सारे इतने काले लग रहे ऐसे। वाह अब अच्छा लग रहा है तुझे यार, चीकू के पापा को पसंद है इसलिए हम लगाते हैं, नहीं तो कहेंगे मैं लेके क्यों देता हूँ। हाँ तुम लगाते नहीं हो। कॉफी पिए क्या? तो ना पायल ने आते बोला कॉफी पिए, तो मैंने बोला मैं तो पानी पीऊंगी, तो भैया ने बिना बोले ना पानी रख दिया। कितने मेरा ना क्वेश्चन है, अगर आप रिप्लाई दे पाओ तो। बोल बोल। मेरे क्वेश्चन जैसे पुलिस वालों का डॉग होता है तो वो डॉग को इंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं कि उनको कोई चीज सूंघनी है, वो कैसे बताते डॉग को? बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं हर चीज, मतलब जैसे समझ लो जैसे वो कपड़ा दिख गया अनोन सा कपड़ा दिख गया वो सूंघाएंगे, वो कपड़ा बता देंगे कहाँ घूम रहा है इस एयरपोर्ट पर। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसका कपड़ा दिखता है खेतों में या फिर कहीं भी अनोन, जैसे कोई लावारिस कपड़ा मिल गया लाश मिल गई ऐसे ना उसको सुनवाएंगे, वो चला जाएगा वहाँ पर एक एरिया कर देगा कि इस एरिया में दबा रखा है। जैसे मूवीज में होता है वो घूमता है, और उनकी भी 4 साल 5 साल 6 साल 6 साल के बाद रिटायर हो जाता है, फिर हमारे जो 4G भाई होते हैं पुलिस वाले होते हैं ना वो उनको रख लेते हैं। हर बार ना हम जब लगेज पैक करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं तो किस बैग में रखनी चाहिए, तो आज ना मैं पूरा इसका एक ब्लॉग बना लेती हूँ ताकि मुझे जब भी कहीं जाना होगा ना मैं अपने इस ब्लॉग को चेक कर लूंगी। और साथ में आप भी चेक कर लेना, जैसे अचार, काली मिर्च, तेल, बॉल, साकड़ी। बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, दिख रहे हैं ना आपको। दीदी अब डिटेल में दिखाएंगे ना, सांप भी लेके जा सकते हैं। सांप कहाँ से लाएंगे? सांप पत्थर भी ले सकते हैं। चलो बॉटल डस्टबिन फेंक के ना पीछे भैया कहते हैं डस्टबिन तो साथ साथ घूम रहा था। वो तो इतनी दूर गए डस्टबिन तो साथ साथ घूम रहा था, आप इतनी दूर गए? नहीं नहीं मैं चाहता था ना मैं वहाँ जाके फेंक के आऊँ। गाइस इस बार तो टाइम ही नहीं मिला जूस पीने का भी, मैंने सोचा था एयरपोर्ट पे आऊंगी जूस पीऊंगी, और ना जूस वाले के साथ डोसे की दुकान है वहाँ से डोसा भी खा के जाऊंगी। एक बार डोसे के चक्कर में फ्लाइट में सीट याद है मैं डोसा खा रही थी, डोसा खाते खाते कपड़ों पे सांभर गिर गया मेरे पे, मैं सांभर साफ करने गई वहाँ पे आवाज आ रही कृतिका 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 कॉलिंग मैं बाहर आई, मैंने कहा एक्चुअली मेरी फ्लाइट थी, कह रही मैम वो तो उड़ गई, मैंने फिर इनको कॉल किया ऐसे ऐसे बात हो गई। चलो 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 ऐसे बोला नहीं इन्होंने आज, हम बोल देंगे आपने कुछ बोला नहीं पायल कृतिका संदीप। पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट में एंट्री करते सीधा बस में बैठे हैं, जूस पी पायल मैं कुछ नहीं खाती थी फ्लाइट में, मैं फ्लाइट में खाई नहीं। फ्लाइट अगर 5-10 मिनट भी अगर हम लेट होते ना आराम से आए थे, हमारे अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी एयरपोर्ट पे थे ना इसलिए अनाउंसमेंट। भूख लग रही है, अभी कुछ खाने का मंगवाता हूँ जब उड़ेगा ना तब आएगा। अभी बंद कर रहा है, बहुत भूख लग रही है मैंने क्या। तो गाइस अभी अभी एक सीन हो गया, सीन क्या हुआ हमारे पास जस्ट यहाँ के थॉट आई बोला कि ना पायल मलिक की है, तो कह रहे आपके ना बैग में पता नहीं क्या क्राइम कर रहा है
रहे थे कि आपके ना बैग में पावर बैंक है। मैंने कहा नो, मैं दो पावर बैंक थे, एक घूम गया, एक हमारे पास है। नो नो, आपके पास है। तो ये टिंकू की हरकत है, टिंकू के बैग में और रख पावर बैंक। अच्छा टिंकू क्या है, कौन से वाले बैग में मैं लेके आता हूँ? यही नहीं बता तेरे बैग में। और वो भी अलाउड नहीं होता लेकर आना, क्योंकि वो सामान है बैग में। तो कह रहे हैं कि हम ट्राई करते हैं कि आपका जो बैग है ना इस वाली फ्लाइट में आ जाए। तो पायलट ने बिना बैग के क्या करेंगे? स्वागत है आपका। हम पहुंच रहे हैं फाइनली बेंगलुरु, और मुझे नहीं प्रोनाउंस करना आया तो आप बताना, क्योंकि फ्लाइट में बोल रहे थे वेलकम टू बेंगलुरु। यहाँ पे आते हैं हमें जैकेट एटीट्यूड एटीट्यूड बहुत ज्यादा गर्मी है। एटीट्यूड पानी पी, कितनी लंबी अच्छी आती है, नारियल पानी पीएंगे, नारियल पानी पियेंगे, केले खाएंगे। मुझे लगता है बाहर निकलते एयरपोर्ट है जैसे बस स्टैंड नहीं होता। सुनो सुनो पायल, मुझे ना साउथ साइड की ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे ये पेड़ होते हैं, है ना, ये गोवा स्टाइल पेड़, नारियल के पेड़ होते हैं। इतने छोटे नारियल के पेड़। आपने एसी लगा दिया बाहर? मैंने सारा एसी लगा रखा है फुल। सबसे बेस्ट एसी है दुबई। आप बहुत ज्यादा गर्मी होते हैं ना, हम गए नहीं एक्चुअली, सुना है ये तो गए हो तभी बोल रहे हो, सुना है। मैं लाइफ में एक बार जाऊंगी, दिसंबर के टाइम पे जाऊंगी, जब वहाँ पे जो वेदर होता है वो ठीक होता है। ऐसे लग रहा है हम इंडिया के बाहर आए हैं। तो हम लोग इंडिया के बाहर ही तो हैं। हम कोई और का इस पता क्या, आपको क्या बता के आए थे? अच्छा आप लोगों ने क्लिप एंजॉय की? लंदन, लंदन जा रहे हैं। लंदन आप सो रहे थे, आपकी मुंह में उंगली दिखती पहले। तो ये सिखाया मम्मी पापा ने, पति के साथ नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? पति के साथ बदतमीजी नहीं करते, बदतमीजी छोड़ो, छेड़खानी छेड़खानी, चलो मैं डरती हूँ। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं, पहले भी बताया था गोलू ने, और अभी लग रही है बहुत तेज भूख, जैसा फ्लाइट में बहुत तेज भूख लगी थी ना, फिर से लग रही है। कोई बात नहीं, रोक लेते। मेरी भूख बहुत बढ़ गई आजकल, क्योंकि मैं पेट गेन कर रही हूँ ना, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। तो ना हम रास्ते में कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि है ना, तो आज तो ना ऐसा लग रहा है जैसे हम खाने को पता नहीं है तरस गए हैं, कब से खाना ढूंढ रहे, क्योंकि हम लोग ना एयरपोर्ट से निकले तो हमने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और बाद में हम खाना खा लेंगे आगे जाके। फिर हाईवे पे आ गए, हाईवे चढ़ गया भाई, खाना नहीं मिला हमें। फाइनली मॉल मिल गया, और मॉल के अंदर बहुत सारी खाने की चीजें होती है, तो बस अभी एंटर करते हैं और पहले सबसे पहले कुछ खाते हैं, फिर आराम से सो जाते हैं। तो फाइनली गाइस हम बैठ गए भैया, खाना हमने ऑर्डर कर दिया है और आसपास हमें KFC ही मिला, कुछ मिल नहीं रहा था। नहीं मैंने दिमाग लगाया, धीरज भैया को बोला कि आसपास KFC मैकडी ढूंढो ना भैया, सारा दिमाग धीरज का ही है जो चल रहा है आजकल। नहीं धीरज भैया जहाँ हमारे साथ जाते ना वहाँ में कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, भैया खुद ढूंढ लेते। क्वेश्चन मार्क खा ले, इसको मिला क्वेश्चन मार्क, बहुत देर से इसको कुछ खाने को नहीं मिला था ना, इन्होंने पूछा क्या चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ये है हमारे भाई साईंराज, और कल वाले ब्लॉग में पता लगा ये है को असली, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। हम इतनी दूर चल के आए हैं, वो हम आपको बताएंगे कल वाले ब्लॉग में, क्या बोलते हैं पायल? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी दूर क्यों आए हम, कोई तो काम होगा, कोई तो रीजन होगा, इतने दिन की थकान के बाद भी हम इतनी दूर आए। ये लगा लो साईंराज भाई को गाड़ी चलाते हुए अभी अगर बात की जाए तो 5 घंटे हो गए, 5 घंटे से गाड़ी में है, 3 घंटे फ्लाइट, 4 घंटे पहले हम उठे थे, यानी कि 13 घंटे हो गए हैं अभी मुझे सफर करते हुए। तो अभी हम नारियल पानी पी रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हम आए ना वहाँ पे नारियल पानी बहुत ही फेमस है, तो नारियल पानी पी लेते हैं। हाउ इज द टेस्ट? जबरदस्त। ओके, असल में क्या ना यही उगते हैं, यही करते हैं, तो यहाँ ही सबसे ज्यादा प्योर मिलते हैं। 20 रुपए का बताओ, और अपने अपने दिल्ली जाते जाते ये 60 रुपए का होता है, 60 का, और तब तक वो बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा भी ये अभी यंग है, बिल्कुल हरा हरा। सही यार, यंग है, इसमें मलाई भी पाए। वेलकम टू माई रूम गाइस, तो ये है मेरा स्वीट रूम, और रूम की जो शुरुआत है ना यहाँ से होती है। थोड़ी सी ना मुझे दिक्कत क्या लगी, रूम बहुत अच्छा है, लाइटिंग का इशू, क्योंकि हम लोगों को ना आदत हो गई लाइटिंग में रहने की। तो ये रूम, ये है स्वीट रूम, और घुसते सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉबी दिख रही है, और बहुत ही बढ़िया चीज मुझे लगी कि पहले यहाँ पे दो बाथरूम है, क्योंकि हम लोग 3 है, अगर एक साथ 2 लोगों को जाना हो तो आराम से जा सकते हैं। तो गाइस हमारे मेहमान हैं जो आ चुके हैं हमारे रूम में, हमारे भाई को तो आप जानते हो, और ये भी हमारे दोनों भाई हैं, और ये कौन है ये आपको कल वाले व्लॉग में पता लगेगा कि हम काम क्या कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात, अब जा रहे हैं अंदर, तो अंदर का थोड़ा रूम हम दिखा देते। गोलू तो पायल तो पहले से होगी, मेरे को थकान हो गई थी, लाइटिंग बहुत
बहुत अंदर की लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ की। तो ये है हमारा प्यारा सा रूम और सिंपल सोबर रूम है यहाँ पे, वॉशरूम है। सिंपल सोबर है यहाँ का, 5-star रूम है ये। मतलब सिंपल सोबर का मतलब बिल्कुल कलर वाइज इंटीरियर वाइज ना सिंपल सोबर है। तो आज से ना पूरे 1 से 1.5 महीना पहले ना मैं पाए ये सोच रहे थे कि हम ना कोई ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे ना हम बड़े बड़े पत्तों का ना खाना खाए। तो मैंने ना आते देखा कि हमारा जो होटल है ना उसके पास ना एक बोर्ड सा बना हुआ था, उसमें पत्तों में खाना था। पाए वो खा कर आएंगे, चले। मैं तो बड़ा मजा, हमने पत्ते से लग भी देना हरियाली है तो भाई नीट एंड क्लीन है। बस हम मिस कर रहे हैं चीकू, वो चीकू हमने लेके आया क्योंकि ना ट्रैवल बहुत ज्यादा था, 8 घंटे का ट्रैवल था ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जिम और स्विमिंग पूल सब कुछ है। चीकू होता ना तो पक्का पूल में जाता। तो गाइस यहाँ पर है मैसूर महल और उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है, और वहाँ ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम चाय वाय पी के मुंह हाथ धो के वहाँ जाएंगे। और सुबह सुबह हम कब जाएंगे वहाँ पे? सर सुबह 10 बजे। थोड़ा जल्दी करो, 10 नहीं, आप एक काम करो 9 बजे लेने आ जाओ, थोड़ा रोशनी में। कितनी दूर है? 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। तो ये भाई को आप अच्छे से देख लो, कल पता लगेगा कौन है ये, ठीक है ना? हाँ, KGF देखी थी ना आपने? KGF के छोटे भाई ने। नहीं तो पाल क्या देख रही है? मैं यहाँ का ना ऑथेंटिक फूड जो होता है ना, और जो जैसे ये लोग पत्तल में खाते हैं ना, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और मेरे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने बहुत ना रील्स में देखा है ऐसे लोगों को ना पत्तल में खाते हुए, पर कभी खाया नहीं है, तो आज एक्सपीरियंस करूंगी। तो आ जाए यहाँ से, आ जाए बोलो। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. तो बहुत ही यूनिक सा लग रहा है ना, अंदर आते ही एक अलग सी स्मेल आ रही है, मजेदार सी। नहीं हाँ बिल्कुल। तो उनको बता देते हैं पत्ते में खाना चाहिए, ठीक है? Excuse me? क्यों, क्या सीन हो गया? वो एक्चुअली मैंने बोला excuse me, we need खाना इन ऐसे बोला, मुझे हिंदी समझ में आती है, ज्यादा दिमाग मत खराब करो। बेस्ती होगी भाई। तो हमने बोला कह रहे 7 बजे के बाद मिलेगा पत्तों पे, अभी आपको जो खाना है ये मेन्यू है, इसमें से पसंद कर लो और अपना खा लो। मैं बताती हूँ, मैं बता दी। होटल की सबसे खास पहचान होती है कि आपको 20 रुपए तुमसे लेने ही लेने हैं पानी की बोतल के, चाहे तुम कुछ खाओ या ना खाओ, चाहे ना खाओ। और गाइस यहाँ पे एसी चल रहा है बिल्कुल हमारे ऊपर ना, एसी चल रहा है। घर जाके हम पंखा भी चलाएंगे। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, तो कल रात को तो मैंने चीकू का पंखा चलाया। मैंने पंखा चलाया था, हमने पंखा चलाया था ना, कल गर्मी हुई थी। पायल ने कैसा ऑर्डर कर दिया, पायल को पता ही नहीं था क्या है ये, और अब पायल मुकर रही है। और ये किसको खिला रही है तू? ये तो मैंने टिंकू के लिए मंगाया था। देखो इसने ये मंगवाया था, देखो यहाँ पे ना सबसे अलग लिखा हुआ है, देखो लिखा है रूढ़ी घी 30 इडली। तो मैं कह रही, मैंने कह रही क्या मंगवा रही, जब आया ना तो बड़ी जल्दी ऑर्डर आ गया इतना बनाकर। कोई पूरी टाइप की इडली होगी, ये घी वाली इडली है भैया, मैं तो नहीं खा सकती घी। भाई बहुत ही यूनिक सा मैंने ये देखा है पहली बार। पाल देखे डोसा, देख पाल, वाह यार कटोरा डोसा है एकदम मीठू। ये ना उस जैसा घेवर जैसा, घेवर जैसा घेवर डोसा है। खा भाई खा धीरज। अरे यार यहाँ पे एक चीज और है, क्या डोसे में सांभर नहीं लगा? अच्छा ये देखो ना सांभर, सही बोल रही है यार, खुशबू है खुश। भाई अभी मैंने ना एक बाइट खाई और वाकई इतना जबरदस्त है ना, देसी घी का है, हमारा मैनेजर बताएगा। हाँ भाई कैसा है? बहुत ही बढ़िया। मेरे को टिंक को देख के सिया ये ठंडा इडली खा रहा है, पता नहीं क्या खिला दिया। बता मारो अपने पालिया, मुझे बोंडा खाना है। बोंडा यहाँ थोड़ी मिलेगा? क्यों, हैदराबाद तो मिलता था बोंडा, शायद सुबह सुबह मिलता है। अरे यहाँ भी मिल जाता है बोंडा, पर गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो मतलब खाने पीने का रेट है ना वो बहुत ही सस्ता है। इतना ज्यादा गुड्डू, इतना ज्यादा मतलब अभी पीछे मेरे को ऐसा लगता है 100 रुपए में पूरा कुनबा खा सकता है। नहीं नहीं इतना भी नहीं भाई, 500 रुपए में तुम खा के, मतलब रेस्टोरेंट में बैठ के खा के है ना। पायल का मतलब ये है कि पीछे जैसे एक रेडी गई थी 20-25 रुपए ले गए थे डोसे के, तो मतलब कि हम लोग भी ऐसे खाते थे जब हम हैदराबाद रहते थे, हमारे घर के आसपास कुछ मिलता ही नहीं ऐसा कि हम खा पाए। तो भी काम करेंगे सुबह सुबह ना ऐसे खाने चलेंगे, है 20-25 वाला डोसा। गाइस जहाँ पर अभी हम आए हैं वहाँ बोला जाता है कि यहाँ का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम है। हाँ तो एक काम करते हैं, मैंने बाहर पढ़ा भी था 150 रुपए की टिकट है अडल्ट की, बच्चों की 120, तो 150 इसकी कितनी, इसकी कितनी लगेगी? 120 रुपए कम है छोटी, 120 चलो 150 है तुम्हारी। पायल तुझे ऐसे एक्टिंग कर रही थी, कोई दिखता ही नहीं। ठीक ठीक, मगर उसको तो मैं ऐसे साथ ले घूम रहे हैं भाई, हमारा बच्चा है। और ये अंदर देखिए कुछ नहीं। हाँ मार गया भाई इसको, दिखाई अभी नहीं, आँख तो खुली रहा, आँख तो खुली रहा, चश्मा लगा दे। अच्छा सुनो, इसको ना अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, जैसे आगे जाके साड़ी का शोरूम दिखेगा ना ठीक हो जाएगी, तब बोलूंगी पाल देख साड़ी की। अच्छा बहुत सारे लोग कमेंट आ रखे थे कि आप ना तीनों के साथ ब्लॉग बनाया करो, तो मैं ना थोड़ा सा ना नजर से बचता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ बहुत कम दिखता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये हमारे जो भाई है, क्या ये क्या है? कच्ची कैरी। हाउ मच? 40। 40 ये तो हम सारे
नमक लो ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं हूँ। और टेस्टी होगा नमक ऐसे तो, मैंने खाई थी ना भाई। भाई ना दो दो बेचने की कोशिश कर रहे, कह रहे आप दो दो लो ना पाल करे, नो नो वन सिस्टर। अब इसका खोला तो छोटा आएगा, ऐसा खोला तो बड़ा है, बड़ा है। तो मैंने ये लिया गाइस, क्योंकि ना हम मेकअप करते ना तो फिक्सर विक्सर लगाते हैं तो वो सूखता नहीं है, उसके लिए मैंने ये ले लिया। घर जाते चीकू के हाथ में मिलेगा और 10 दिन के बाद डस्टबिन में। इसके लिए पन्नी तो मेरे से मानो, देखो ये ठीक हो गई, इसकी आंखें ठीक हो गई। वहाँ करना माँ, लगने चाहिए। बाप रे इतना बड़ा मुख, मछली का मुँह इतना बड़ा, ये मछली है कौन सी मछली? तो शाक है। समुद्रों में पाई जाती है। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहाँ पे कोई भी हमें जानता नहीं है, हमें कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पे ये फॉरेनर्स है ज्यादातर, वो हमें देखते नहीं है। और साउथ की साइड लगता है हमें थोड़ा कम देखते हैं। तो गाइस प्लीज देखा करो, साउथ की साइड पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सिर्फ पाली को देखो, सीधा चलना है मैडम। मैं खड़े होकर बोल रही, मैंने कहा यार पता नहीं टिकट कहाँ से लेनी है, तो ऐसे करके कहती मुझे बता रही ऐसे करके। तो हमने सोचा कि टिकट वाला काउंटर ना अंदर छोटा होगा तो हम मना लेंगे बातों में, काउंटर तो बहुत बड़ा है, तो मानेंगे नहीं। मेरी हाइट बताना कितनी है? बहुत है, 5'7" है। मैं कह रही हूँ आज मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं नॉर्मल इंसान हूँ। जानते हैं सब, देख रहे हैं, मैनर्स वाले लोग हैं, मतलब वो तुम्हारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं। वैसे एक बात है, सच में मैं बात है, साउथ साइड की मतलब ईस्ट साइड की बैंगलोर हैदराबाद साउथ साइड की ना बहुत ज्यादा पढ़ाई है, सबसे ज्यादा टॉप जो पढ़ाई होती है ना यहाँ। ये सही है, मेट्रो आ रहा है, ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट पे आया हूँ मैं। मछली का नाम है नागिन मछली, मैं आपको ना अभी सबसे बड़ी मछली दिखाता हूँ। इधर आओ, ये यहाँ की सबसे बड़ी मछली है। हेलो, ये रोज इतने आदमियों से मिलती है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मछली के दांत भी होते हैं, ये नहा भी सकते हैं 2 बजे बाद। सबसे बड़ी मछली से मिलवा देता हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी मछली से हकीकत में। आओ दिखाता हूँ। हेलो फिशी, इसकी शक्ल देखो कितनी सैड है, ये सैड फिश है, ये दोनों तीन सैड है, नहीं इसकी शक्ल ऐसी है। कछुआ काटता तो नहीं है, काट भी लेता है, नहीं काटता। नहीं मुझे कह रहे एक बार मैंने कि आपने टच करके ना खपोले पे, उसके ऊपर तो हार्ड होता है बाबू। इसकी गर्दन पीछे नहीं आती, ये हार्ड ऊपर होता है। जब मैं टच करके आई ना फिर गए टच करने। कचरे को छू के कोई भी विश मांगो पूरी हो जाएगी, मांग रखी है। गुड साइन होता है, हम भी लोग घर पे कचरे रखते हैं। मछलियों के इतने कलर, ब्लू लाल, कितनी वैरायटी है। ये सारे कलर ना जितने भी हम आजकल पहनते हैं ये सारे कुदरत के कलर है, इसका पानी है। ज्यादा नहीं बोल सकती, ये जो नियॉन कलर है ना ये तो अब भाई मछलियों के पास तो पहले से नियॉन कलर देख रहे हैं। कलर करे हुए ना भगवान ने, किसी को काला तो लाल कलर। मुझे जो सबसे प्यारी ये हुई है कि जुट में चल रही है, वाओ कितनी प्यारी है, वाओ चल रही है, वाओ वाओ ऐसा हो रहा है जैसे पतंग उड़ रही है। जिस तरह देख जा रही है सारी उस तरह जा रही है, तुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा इनकी टेक केयर कहाँ से हो रही है, जैसे खुला नहीं दिख रहा मुझे। टेक केयर कहाँ से होती है? कहीं ना कहीं से होती होगी बेटा। चुके हैं दुबई में, दुबई। अच्छा चीकू पापा कहीं आप दुबई में से घूमे थे? देखो दुबई इससे 50 गुना एक्स्ट्रा है। अच्छा, साफ सुथरा चीजें यहाँ भी नीट एंड क्लीन है, ये भी गंदा नहीं बोलूंगा, ये भी अच्छा बहुत। पर यार देखो बाहर की कंट्री तो बाहर की एडवांस ही रहती है ना। ओहो मछलियाँ वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़ी बड़ी 5,000 रुपए 5,000 दराम था वहाँ पे। अरे यहाँ पे भी ये देख, ये स्टार फिश, अरे ये तो बहुत सारी है देखो।
भाई इसकी मैनेजमेंट है ना वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी कि ना इसकी टेक केयर बहुत अच्छे से कर रखी है। अच्छा यहाँ पे एक ही कलर की सारी फिश सब यहाँ सारी ना ऑरेंज 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 कलर है छोटी छोटी है पानी से भी पानी लीकेज नहीं है ना और क्या यार ये सोचो मतलब यहाँ तो पानी है तो ये भाई आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा है पर सारा देखना आप लोगों के लिए बनाया काम कर पा रहा मैं तुम दोनों लाकर भी शॉपिंग करवाऊंगा ये वाली मछली और अगली मछली गिन के बाहर आ जाओ सुनो हमसे ले लो 1,00,000 रुपए तुम गिन के आ जाओ पहले मैंने बोला 2,00,000 ले लो शुरू बेटा फिश है ना फिश के साथ वो गाय तो जमती है ना पानी तो गाइस ये है हमारा इंडिया जो गाय माता को दर्शाता है और गाय हमारी माता है बिल्कुल सही बात है। अच्छा मेरी बात सुनो 780 मछली थी वहाँ पे साड़ी की दुकान है वहाँ पे चलो वहाँ पे एक साड़ी है 1,00,000 की 1,00,000 की इसको 1,00,000 की मुझे 2,00,000 की साड़ी मगर 1,200 थी। तो भाई अरमान जी इतने चटोरे हो गए हैं अभी इन्होंने पूरा लंच किया था फिर यहाँ पे गोलगप्पे की रेडी देख ली इन्होंने और कह रहे हैं मुझे तो गोलगप्पे खाने और आपको पता है इनके गोलगप्पे कितने फेवरेट है 2 गोलगप्पे खाओ इनकी नजर थी पारखी है आज रुक जा आज मैं गिनूंगी इन्होंने कितने खाए और मैं कैमरा बंद नहीं करूंगी जब तक इनके गोलगप्पा से मुंह नहीं बंद होएगा इनका तो अंकल ना अभी मुझे इशारा कर रहे थे ऐसे ऐसे तुम मतलब कह रहे थे रुक जाओ हम गोलगप्पे खाने के लिए बहुत ज्यादा ना उत्साहित हो रहे थे ठीक है तो मैंने बोला कोई टेंशन नहीं अंकल आराम से रुके हैं ठीक है 20 रुपए की प्लेट है 20 की प्लेट है और प्लेट में 6 गोलगप्पे है 6 गोलगप्पे 6 गोलगप्पे तो ये 2 खाएंगे तो कितने खाएगी मैं तो एक ही खाऊंगी एक खाएगी एक प्लेट एक पूरी प्लेट ये ना मैं पूरी प्लेट खाऊंगा तो 2 गोलगप्पे 2 तो 2 प्लेट बहुत है तो मुझे ना मेरे बचपन के दिन याद आ गए 10 के 5 10 के 6 तो मैंने खाए आपने कितने के गोलगप्पे खाए हैं मैंने 1 रुपए के 2 खाए 1 रुपए के 2 पाल तूने मैं गोलगप्पे खाती ही नहीं तुम्हें पता ही है तो यहाँ से काउंटर शुरू होता है और यहाँ पे पत्थर लग चुके हैं सबके हाथ में अब बस देखते जाओ कौन कितना खाता है ये जो शख्स है इसने बोला मैं 2 खाऊंगा ये जो औरत है इसने बोला मैं 1 खाऊंगी वो पूरी 1 प्लेट खाएगा 1 गया उसके मुँह में गोलगप्पे बता सकता 1 गया 1 रह गया आपका 13 हो गया तेरा भी गया नहीं बस लाइन में से आउट मजेदार तो कितने खा लोगे अब मैं खा लूंगा 5 तो पूरी प्लेट ही खा जाओगे इसका मतलब तो गाइस सच में कमाल के गोलगप्पे थे तारीफ करने वाले गोलगप्पे थे मैं सोच रही थी 1 खाऊंगी बट मैंने 1 की जगह 2 खा लिया क्योंकि बिल्कुल पेट में जगह नहीं थी बट फिर भी इसलिए खाए क्योंकि इतनी दूर से आए हैं ये ना हो कि गोलगप्पे नाराज हो जाए कि नहीं खाए आज तक मेरी जिंदगी के सबसे फेवरेट गोलगप्पे काश आप रोज खा पाते मतलब पानी का टेस्ट जवाब ही नहीं है मतलब जैसे आपको गोलगप्पे पसंद है ज्यादा मिर्ची ना हो ज्यादा फीके ना हो बिल्कुल मीडियम मीडियम सही मैं आज तक बता रहा हूँ इतिहास में अब तक जितने मतलब जितने साल की हो आप तो अभी हम लोगों ने हिसाब लगाया हम लोगों ने टोटल खाए 30 गोलगप्पे वो भी 100 रुपए में और जो हमारे यहाँ पे भैया है ना वो इतने प्यारे गोलगप्पे इतने स्पेशल गोलगप्पे भैया बनाते हैं तो वो जब लगाते हैं ना अपने यहाँ पे ठेला रेडी तो वो 1 से 1.5 घंटे में सारे गोलगप्पे फिनिश हो जाते हैं लोकेशन हमें नहीं पता हम तो घूमते घुमाते हैं सबसे यूनिक है ये फ्री में मिला भैया फ्री वाला मुझे भी दो ना तो फ्री वाला गोलगप्पा ज्यादा टेस्टी लगा मुझे नींबू भी नहीं चोड़ा बहुत ही अच्छे लगे गोलगप्पे प्यारे से मजा आ गया नहीं नहीं अब बस हो गया गाइस मैं यहाँ पे ना जिस होटल में मैं हूँ वहाँ पे बहुत सारी सिल्क की साड़ीज है तो मैंने चेक करी एक तो मुझे ये वाली बहुत ज्यादा पसंद आई और दूसरा ये वाली है जो कि हम करवा चौथ पे पहन सकते हैं बोलू और इसका जो प्राइस है वो है 18,000 रुपीज और ये बोला है इन्होंने मुझे कि जब आपकी मतलब पहन पहन के आपका दिल भर जाए ना तो इसकी जो जरी है ना वो फैक्ट्री में देके चेंज करा क्योंकि ये जरी के ही पैसे हैं हाँ तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज करा सकते पर ये चेंज कैसे होगा जब एक बार ये वाला जरी है निकालेंगे तो गाइस बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये 30,500 रुपए की बिल्कुल भी फाइल क्या खास बात है इसकी खास बात ये प्योर सिल्क मतलब जो कीड़े बनाते हैं वो वाली और ये जो सिल्वर की जरी है चांदी की और सबसे बड़ी बात क्या अगर आप इसको पहन भी लोगे ना तो इनको वापस दे देना इसी पूरी जरी चेंज कर देंगे 10,000 रुपए फिर लेंगे कलर भी चेंज कर देंगे ना जरी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप डिजाइन सिलेक्ट कर रहे हो है ना तो भाई बहुत सारी चीजें है ना हमें बाहर आके पता लगती है साड़ी पहन पहन के थक जाओ तो चेंज करवा फिर काम करते और ये चीज हमने यही देखी अपने चंडीगढ़ में भी मैंने लाख सवा लाख की साड़ियाँ देखी थी याद है हम लोग गए हमने देखी और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया तो पहले ये वाली साड़ी ना तू एक काम कर करवा चौथ के लिए ले ले है ना पर मुझे गुडो जैसे ये तो ब्लैक है ब्लैक नहीं लूंगी ये बेटा रॉयल सिंपल बहुत अच्छी लगेगी सिंपल जूड़ा इतनी इतनी स्लीव और ऐसा पे गजरा लगा के सिंदूर लगा के झुमकी व्हाइट कलर का गजरा तो अभी लेगी सुबह लेगी सुबह ले लेंगे अगर बोलो सुबह ले लेना यार मैं थक गया चलो 1 बजे और हमें नींद नहीं आ रही हमें या हमारी पूरी टीम को नींद नहीं आ रही अभी हम बाहर जा रहे धक्के खाने के लिए देख लेते हैं क्या है क्या नहीं यहाँ पे है भाई एक काम करते हैं ना बोलते हैं ना नाइट लाइफ तो यहाँ पे देख के आते हैं नाइट लाइफ क्या है चलो
क्योंकि नाइट में हमें तो नींद आनी रही है। तो यहाँ पे दिन के हिसाब से मुझे नाइट लाइफ जितनी भी होगी अच्छी होगी, पर लोग बहुत ही संस्कारी है यहाँ पे। नहीं क्या फेंका तूने इसमें? मैंने ना पानी पी लिया था तो मैंने ऐसे अंदाजे फेंका, मैंने आवाज आई चक सी, देख रही देखो डस्टबिन कितना साफ है, डस्टबिन तो लग ही नहीं रही सिगरेट के लिए। पायल ने मुझे बता दिया। तो भैया आज इन्होंने ना बहुत सारे ये नाइट सूट लेके घूम रहे हैं, पता नहीं आपके लिए भी लेके आई थी मैं मैचिंग, पर आए नहीं मुझे। बड़ो ना इनको आए नहीं, मैं सोच रही हूँ जो इनका वाला ना मैं पहन लूंगी, मेरा वाला तू पहन ली और हम दोनों मैचिंग कर लेंगे। मेरा ऐसे भी लग ही रहा था इनको नहीं आएगा। तो अभी अभी हम रिसेप्शन पे देना भैया से पूछ रहे थे कि वहाँ पीछे भगवान जी उनका मतलब कि क्या नाम है, तो इन्होंने बताया श्री वेंकटेश्वर। वैसे एक बात है पर यहाँ पे कला बहुत है, जैसे मंदिर हो गए इतनी प्यारी प्यारी चित्र बने हुए हैं, जैसे अब सामने देखो सामने भी कितना कुछ बना हुआ है, तो बहुत प्यारी कला है यहाँ पे। तो भाई अंदर घुसते ही होटल के गणेश जी की फोटो भी है, पर ये ब्लैक है गणेश जी, ऐसा क्यों? बाकी लकड़ी में बने हैं, लकड़ी के तो बने हैं पूरे ब्लैक है, लकड़ी पे उभर रखी है ना पूरी। पहन ले चप्पल पहन ले, चल कुछ बोल के बताएं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सुबह 5 बजे की गाड़ी 3:30 बजे ही आ जाएगी। भैया बोल रहे पूरा मैसूर बंद होगा, पर हम आज खोज करके आएंगे, चाहे हम पी के आएंगे, चाहे हमें सुबह के 5 बजे आना पड़े, पर हम चाय बाहर पी के आएंगे। तो अभी जो मैनेजर था ना उससे बात हो रही थी गाइस, तो वो ये बोल रहा था कि 9 बजे ये पूरी सिटी बंद हो जाती है, आप खुला नहीं मिलेगा यहाँ पे, सारा खुला है। हमारे साथ हुआ क्या था मैं बता, हमारे जो टिंकू है वगैरह इधर तो सारा सुनो वो सारे जाग रहे हैं। हमारे साथ क्या होता गाइस हम आपको बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जब हम 3 घंटे की ड्राइव करके आए ना, तो हम 9:15 बजे सो गए थे, तो अभी 1 बज गया है, तो वो जो 2-3 घंटे का हमारा थकान और सब कुछ था ना वो हमने पूरा कर लिया। अब हमें हो रहा है कि नींद नहीं आएगी और फालतू में होटल में हम बैठना नहीं चाहते थे, तो हमने कहा हम आए हैं मैसूर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो गाइस देखो हम होटल से निकलते हैं, चाय की दुकान ढूंढ रही थी, होटल बस स्टैंड है ये पागल हो बस स्टैंड। चल भैया अंदर चलना गाड़ी लेके, या नहीं जा सकते हम अंदर? अन्ना चाय पीनी है, चाय पीनी है, येलो सिगाला मतलब हिंदी में बताओ सीधा, चाय नहीं है इधर। ओके अन्ना पुलिस वाला पाजी नहीं बोलते, पाजी अन्ना बोलो, अन्ना उन्हें समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा था, तो यहाँ पे चाय नहीं है, आगे टी पॉइंट पे जाओ चाय मिलेगी बोला। चाय की दुकान है भैया, गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, गाड़ी नहीं खड़ी कर, पार्किंग में खड़ी करके आओ, ये तो होटल के बाहर थे, होटल में खड़ी कर देते, पैदल आ जाते, कोई और चलते छोड़ो यार। इतनी रात को भी लोग कितने खड़े हैं, जिनको अन्ना बोल दो तो अपनी भाषा में लग जाएंगे, अन्ना इट मीन्स भैया। तो जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं ना उन्होंने हमें गाड़ी दे रखी है, बढ़िया लोग है ना, मतलब बहुत ही प्यारे लोग है, शरीफ लोग है, चालबाज भी है, तो बहुत सारे जैसे दिल्ली वाले कुछ लोग चालबाज है ना, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे जीरकपुर में कुछ लोग ऐसे फ्रॉडिये हैं, पूरा मत माना कुछ लोग हैं, मतलब जब तक आपका उनसे काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो साले ऐसे कटिंग कर देते हैं पैसों की आराम, ऐसे छाट देते हैं जैसे छाटते नहीं, और उसके बाद ना ऐसे बदल जाते हैं जैसे दीवार पे से पेंट नहीं बदल जाता रंग, जैसे सफेद का काला हो जाता है। तो यहाँ के लोग ना भगवानों को बहुत मानते, तो इसलिए ना थोड़ा कुदरत से डरते हैं। और गुडू साउथ साइड ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, साउथ साइड इतने एजुकेटेड पीपल है, अगर आपको ऑटो रिक्शा वाला भी मिल रहा है ना, अगर उसे कन्नड़ आती है तेलुगु आती है तो उसे हिंदी और इंग्लिश भी आती, बिल्कुल। अभी भी आज भी अपने 10 लोगों से एड्रेस पूछा, सब ने बहुत ही मैनर से एड्रेस बताया, तो भाई सैल्यूट है साउथ वाले, और मतलब लेडीज की तो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है यहाँ पे, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा। तो गाइस पूरी मैसूर की सारी खाली दुकानें हम लोगों ने देख ली है, पूरा आधा घंटा हम घूमे हैं गाड़ियों में और वही आए हैं अपने होटल के सामने, पर ना रोडों का ना व्यू बहुत प्यारा है, शांत है बिल्कुल। तो हमारे ना बिल्कुल सामने ना बस स्टैंड है, वहाँ पे हमें कुछ मिलेगा। आज हम लोगों ने इतनी सारी बातें भी करी ना, आधा घंटा बड़ा मजा आया, अच्छा लगा भैया। चलो चलो, तो मैंने अब गोलूरपाल को बोला कि ना अब ना हम ना तीनों घुमा करेंगे, व्लॉग व्लॉग मैं खुद एडिट किया करूंगा, अब मैं टीम लेके साथ नहीं घूमूंगा, अब टाइम आ गया साथ में टाइम स्पेंड करने। बोलते ना कि एक इंसान जवानी में और एक बुढ़ापे में मियां बीवी का जो प्यार है ना वो दोबारा एक बार जागते हैं, बस रोना नहीं, चुप कर रहियो। तो गाइस अभी हमारे साथ सीन हो गया, यहाँ की जो पुलिस है ना, पुलिस वाले ने भगा दिया, हम जा रहे हैं, क्या हुआ? हमने कहा चाय सामने, कह रहे कोई चाय नहीं पीनी, वापस जाओ, कहाँ रहते हो? मैंने कहा सामने ले होटल, कह रहे गो होटल वापस जाओ, कहाँ से आयो? हमने कहा चंडीगढ़ से आए, इन्होंने बोला कि स्नैचिंग हो जाएगी भाई, अपना वापस जाओ जहाँ से आयो, है ना, अब क्योंकि हमने पहनी हुई तो चेन हुई है ना। अब ये तो देखो गाइस गोल्ड की है, देखो भैया जिस सिटी के बारे में हमें नहीं पता हम उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, हम पंगा भी नहीं लेंगे, उन्होंने बोला जाओ तो हम आ गए। वैसे एक बात है, देखो कोई अगर कुछ बोलता है ना मैं तो ये मानती हूँ उसकी सुननी चाहिए, और वो पुलिस वाले हैं वो शायद हमारी सेफ्टी के लिए बोल रहे होंगे, तो हम भाई आ गए, हमने हो जाए तो हम बोलेंगे, तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया,
गया हम वापस उठे। अच्छा, लोग हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं कम से कम मिला 100-200 रोड पे घूम रहे हैं, कह रहे स्नैच हो जाएगा तुम्हारा चैन स्नैच। अभी भी वॉचमैन से पूछा मैंने, क्या चाय मिलती है? कितना टाइम हुआ है? लेट नाइट हुआ है। ठीक है चलो फिर, आधा घंटा घूम लिया, पूरा सिटी घूम ली। तो हमारे अन्ना ने बोला था बंद है सब कुछ, पर हमें लग रहा भाई नहीं, हम तो बहुत स्मार्ट है, हम सब जगह घूम के बंद था, पर लाइटें ऑन थी, चाय नहीं मिली हमें। अच्छा, यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने हमें भगा दिया, अभी ऐसे रोड में मत घूमो, एक्चुअली अलाउड नहीं है। हाँ, कह रहे स्नैच हो जाएगा, भागो, ये स्नैच हो जाएगा, भागो भागो, अपनी लैंग्वेज में बोला, क्या बोलते हैं, सेफ्टी के लिए वो लोग बोलते हैं। अच्छा, अच्छी चीज, मुझे भी अच्छी लगा, खुद से बुलाकर एक बार पता किसको क्यों टाइम मिला, तुम किसी को बुला रहे खुद से। पर मतलब अगर कोई बाहर जाता है तो क्या होता है कि वो पुलिस अवेयरनेस देता है कि आप मत जाओ, टू अवॉइड द लाइक यू नो कुछ प्रॉब्लम ना। नहीं भैया देखो, तभी तो हम वापस आ गए, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, पुलिस कहीं की भी हो, सामने वाले का अच्छा ही चाहती है। नहीं, तभी हम एक बार में सुन के धक्के खा के वापस। अच्छा, मुझे क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में 2:30 बज रहे, दोपहर के बज रहे हैं या रात के बज रहे हैं? होता है ये आपको 1:30 ये आफ्टरनून है, इवनिंग है, यहाँ पर अभी नाइट है और वो अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, टोक्यो में, इंडिया में 1 बज रहे हैं। देखो हम बाहर चाय पीने गए थे, भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे चाय मिल जाएगी, बताओ कितने कप पीने? 1, 2, 3, 4 रूम में तो हर कोई पीता, हम यहाँ बैठ के पीएंगे। बोलो एक काम क्या करेंगे, जब अब अगली बार जब हम किसी सिटी में घूमेंगे ना तो हम चैन अंगूठी सब उतार के जाया करेंगे। ठीक है ठीक है, क्योंकि ना इससे छोटा सा लालच है पर कांड कर देते हैं। ये पहन के आए थे कि घूमने जा रहे हैं, मैं भी घूमने के लिए। ये देखना सबसे बड़ी चैन ब्रिज की देख ली ना, मेरी देख के ही घर भेज, मैंने चैन डाली नहीं, शुगर है 600 वाली बहुत महंगाई। तो गाइस ये यहाँ का सोफा कम बेड है, मतलब सोफे का बेड बना दिया, अच्छा लगा मुझे तो।